तो कॉन्टेक्स्ट जो है ना, वो इस तरह के क्वेश्चंस जब समटाइम आ जाते हैं या इस तरह के हमें इनपुट लेने पड़ जाते हैं जिसमें यस नो होता है या कोई ऐसी बात होती है जो हम उसको, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने जिक्र किया था कि दो इंटेंट के ट्रेनिंग फ्रेजेस आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। अगर वो ज़रा सा भी मिक्स मतलब एक जैसे ट्रेनिंग फ्रेज दे दिए तो वो गलत इंटेंट डिटेक्ट करने लग जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैंने कहा है कि चेक ऑर्डर स्टेटस, इसमें जो ट्रेनिंग फ्रेजेस दिए हैं मैंने और कंप्लेंट में जो दिए हैं, ये दोनों के ट्रेनिंग फ्रेजेस आपस में मैच नहीं होने चाहिए, यूनिक रहने चाहिए। ठीक है, तो अगर इसके वर्ड्स मैच हो जाते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, गलत इंटेंट हिट हो सकता है बंदे के बोलने में। अच्छा, तो हम उसको कोशिश करते हैं यूनिक रखने के लिए, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम जितना मर्जी कोशिश कर लें वो कॉन्फ्लिक्ट आता है कहीं ना कहीं। जैसे कि यस नो वाली जो बात होती है, मिसाल के तौर पे न्यू ऑर्डर जब होता है ना, कंप्लीट जब होता है, तो उस पर हम अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि यार आपको कोई कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं चाहिए, ऐसा होता है ना, ऑर्डर देते हैं, कहते सर ड्रिंक कौन सी, ऐसे पूछता है बंदा सामने से, या कोई एपेटाइज़र का पूछना चाह रहा हूँ अगर मैं। अच्छा, वैसे तो ये कोई बहुत अच्छी एग्जाम्पल नहीं है कॉन्टेक्स्ट की जो मैं देने जा रहा हूँ, लेकिन आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाए इससे। ठीक है, तो न्यू ऑर्डर के बाद अगर मैं उससे कोई ऐसे, अभी न्यू ऑर्डर का जो रिस्पॉन्स है हमारे पास वो क्या है, वो ज़रा कोड में देख लेते हैं। वो हमारा ये क्योंकि वो वेबहुक से रिस्पॉन्स करते हैं, न्यू ऑर्डर का जो रिस्पॉन्स है, तो उसको ज़रा एक नज़र मार लेते हैं कि क्या है वो रिस्पॉन्स जो न्यू ऑर्डर पे हम देते हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्स देते हैं हम न्यू ऑर्डर में, क्या ये रहा, यू सेड दिस दिस दिस, अच्छा यू सेड दिस 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 और योर पिज़्ज़ा इज़ ऑन द वे, मैंने ये बात की। अच्छा, अब मैं इसी के लास्ट में अगर ये बात ऐड कर दूँ कि वुड यू लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक, सही है, वुड यू लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक, तो अब इसका जवाब क्या होगा, यस या नो होगा, है ना। अच्छा, ये अभी रिस्पॉन्स मैंने चेंज कर दिया, अब इमेजिन करो बंदा आया, बंदे ने चैटबॉट से यहाँ पे बात की, अभी तो फुलफिलमेंट कनेक्ट नहीं है तो वो चलेगा नहीं, उसको एनजी रॉक चलाना पड़ेगा, तो इसलिए थियोरेटिकली बात कर रहा हूँ। तो न्यू ऑर्डर बंदे ने प्लेस किया कि भाई फला फला पिज़्ज़ा, फला फला पिज़्ज़ा, उसने बोला भाई यू सेड टू लार्ज फहीदा पिज़्ज़ा, योर पिज़्ज़ा इज़ ऑन द वे, वुड यू लाइक टू हैव सम कोल्ड ड्रिंक, तो मैं करूँगा क्रिएट अ इंटेंट, है ना, इसका नाम रखूँगा मैं यस, और इसमें मैं बोलूँगा कि यस ओके डन श्योर, सही है, यस गिव मी कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, लाइक दैट। इस तरह के जो भी ट्रेनिंग फ्रेजेस इसके हो सकते हैं ना पॉसिबल, यस के सिनोनियम्स होंगे तो या कोल्ड ड्रिंक की को बात होगी, वो मैंने सारे यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे से कह दिया कि ओके। अच्छा, इसका भी जवाब बाय द वे वेबहुक से मैं लूँगा, क्योंकि वो जाहिर है कोल्ड ड्रिंक वाली बात वेबहुक में मुझे डेटाबेस में राइट करनी है ना, तो मैं लूँगा तो वेबहुक से, लेकिन इमेजिन करो मैं अभी फ़िलहाल एक बात मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि ओके कोल्ड ड्रिंक विल बी सेंट अलॉन्ग विथ योर ऑर्डर। ठीक है, अभी इसमें सवाल हो सकता है कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक, कितने लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक, ये सब सवाल होगा, वो बीच में मैं पैरामीटर कलेक्ट करूँगा, बट जस्ट टू कीप इट सिंपल फॉर नाउ। अब बंदा आया, अरे सेव तो कर दिया, लेकिन आपने पैरामीटर समझाया, इसमें एक्शन कैसे दिया? एक्शन अभी उसको छोड़ दो, असल में एक्शन जो है ना वो एक फ्रेज, एक वर्ड होता है, उसकी जगह पे अब इंटेंट का नाम हम लिख रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे स्विच लगाया हुआ है ना, इसमें इंटेंट का नाम मैंने लिखा हुआ है, इसकी जगह एक्शन लिखा करते थे लोग पहले, लेकिन अभी दोनों हैं। ठीक है, अच्छा एक्शन के नाम में ये होता है कि बगैर स्पेस का कैमल केस वगैरह में हम लगा देते हैं, इंटेंट का जो नाम होता है उसमें स्पेस भी होता है, बट कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, दोनों से ये काम हो जाता है। अच्छा, पैरामीटर्स का पूरा नाम है एक्शन पैरामीटर, सही है, जो पैरामीटर हम कलेक्ट करते हैं ना उसका नाम, पूरा नाम है एक्शन पैरामीटर, तो एक्शन का एक नाम होता है और उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो इस तरह इन्होंने शुरू में डिज़ाइन किया था, लेकिन अभी लोग सब लोग इंटेंट का नाम इस्तेमाल करते हैं, एक्शन को कोई भी यूज़ नहीं करता, कुछ करते भी होंगे, कर सकते हैं आप चाहें तो, चलता है बिल्कुल परफेक्ट चलता है वो।
अच्छा अब बंदा आया, बंदे ने बोला भाई गिव मी पिज़्ज़ा ऑन दिस दिस दिस, और सामने से जवाब आया चैटबॉट का कि भाई ठीक है भाई आपका पिज़्ज़ा आ गया, वुड यू लाइक टू हैव सम कोल्ड ड्रिंक। तो बंदे ने कहा यस और एंटर। ठीक है, तो सामने से इसने क्या बोला कि ओके कोल्ड ड्रिंक विल बी सेंड अलॉन्ग विथ योर ऑर्डर। तो यहाँ तक तो ठीक हो गया सीन, कि भाई मेरा एक इंटेंट जो था उसके आखिर में मैंने एक फॉलो अप ले लिया उससे, और फॉलो अप में मैंने एक चीज़ पूछी और सामने से बंदे ने बोल दिया यस और हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप ये आप समझ लें कि बंदे ने पूछा ऑर्डर का स्टेटस, अब ये एक दूसरा इंटेंट है, ये एक इंटेंट हो गया मेरा काम कंप्लीट हो गया, ये ख़त्म हो गई बात ये मेरी, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अब मुझे एक दूसरा इंटेंट बनाना है कि जब बंदा अपने ऑर्डर का स्टेटस पूछता है ना, ठीक है, अपने ऑर्डर का स्टेटस पूछता है, तो मैं उसके ऑर्डर का स्टेटस बताता हूँ और साथ में शायद ये मतलब ऐसा हो नहीं, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ऑर्डर का स्टेटस बताने के बाद ना मैं पूछता हूँ कि यार रेटिंग पूछ लेता हूँ बंदे से। ठीक है, अगर ऑर्डर डिलीवर्ड है, ठीक है, ऑर्डर में तीन स्टेट हो सकती हैं, अगर तो ऑर्डर है डिलीवर्ड तो मैं उससे पूछता हूँ कि यार व्हाट आर योर रिव्यूज़, शायद ये कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है रिव्यू मांगने के लिए, बहुत अच्छा पॉइंट नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि किसी इंटेंट के बाद में यस नो वाली कोई बात पूछ रहा हूँ। या मैं उससे ये पूछ लेता हूँ कि यार अगर ऑर्डर उसका कैंसिल हो गया ना, तो मैं उससे पूछूँ कि यार वुड यू लाइक टू हैव डू यू हैव अ कंप्लेंट। ठीक है, कोई ऐसी मैं बात पूछ रहा हूँ उससे, अब उसमें भी वो क्या बोलेगा यस और नो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि रिएट इंटेंट करके यस बनाऊँगा। अब मसला ये है कि यस के नाम से तो एक इंटेंट पहले से मौजूद है, अब ये तो मसला हो गया, अब ये काम कैसे होगा। या एक कोई तीसरा इंटेंट है उसमें कोई बात होती है उसके लास्ट में मैं यस नो पूछता हूँ कुछ और। फॉलो अप बना सकते हैं लेकिन ये काम असल में होगा कॉन्टेक्स्ट के जरिए। ठीक है, फॉलो अप जो है वो असल में कॉन्टेक्स्ट ही कर रहा होता है। तो ये जो यस वाला काम है ना, ये जो यस है असल में इसका नाम मुझे आइडियली क्या रखना चाहिए, जो जो ऑर्डर जो भी बना मेरा न्यू ऑर्डर, सही है, न्यू ऑर्डर डैश यस, ठीक है ना, इसका नाम मुझे ये रखना चाहिए, ये रख दिया मैंने इसका नाम। ठीक है, नाम से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कन्वेंशन है कि ये नाम होगा इसका, आप अपने हिसाब से भी कोई रखते हैं। अच्छा इस ये नाम रखने से देखो होगा क्या, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली एक तो अलाइन हुआ हुआ होता है ना, तो न्यू ऑर्डर और न्यू ऑर्डर साथ आ जाएंगे, और एक में यस लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये पहले चलेगा ये उसके बाद चलेगा। अब हमें अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है कि इस यस को ना हमें रोकना है कि ये यस हमेशा ना चले। ठीक है, ये यस हमेशा ना चले। अच्छा तो ये यस में आके ना मैं क्या करूँगा, मैं चला जाऊँगा कॉन्टेक्स्ट वाले पार्ट में, और कॉन्टेक्स्ट वाले पार्ट में ये खोला मैंने इनपुट कॉन्टेक्स्ट में ना, मैं बोलूँगा कि यार कुछ ना कुछ इसका इनपुट कॉन्टेक्स्ट होगा। मैंने कह दिया कि भाई न्यू ऑर्डर कंप्लीटेड, ठीक है, ये मैंने कहा न्यू ऑर्डर कंप्लीटेड और सेव का बटन दबा दिया। जैसे ही मैंने ये इसको इनपुट कॉन्टेक्स्ट, अच्छा आउटपुट को भी छोड़ दो, अभी सिर्फ इनपुट पे गौर करो। ठीक है, आउटपुट ऑटोमेटिकली लगा दिया लेकिन उसको अभी भूल दो। अब देखो उस पे मैंने क्या लगा दिया, यस वाले इंटेंट पे मैंने एक अदद इनपुट कॉन्टेक्स्ट लगा दिया। अब यहाँ पे आके मैं यस बोलूँगा ना, पहले जैसे मैंने डायरेक्ट यस बोला था ये नहीं चलेगा, है ना, अब ये नहीं चलेगा, ये कैसे चल गया यार इनपुट। एक मिनट, इसको चलना तो नहीं चाहिए था, नहीं न्यू ऑर्डर डैश यस अभी मैंने बनाया है, और किसी में भी यस तो नहीं है ना, ट्रेनिंग फ्रेज कंप्लीटेड कैसे लिख दिया जब है ही नहीं वो कॉन्टेक्स्ट, ये मैंने इनपुट कॉन्टेक्स्ट लिख दिया ना, तो जब तक ये कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेट नहीं होगा ना ये इंटेंट चलेगा नहीं, हाँ तो नहीं चलना चाहिए उसको, उसको मिलना ही नहीं, उसको लगेगा ये इंटेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको लगना चाहिए कि ये इंटेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अच्छा इसका जो जवाब है वो है कि ओके कोल्ड ड्रिंक विल बी सेंट, ऐसे करके जवाब है ना, तो मैंने कहा कि यार ओके सॉरी यस बोलना है ना मैंने, अब यस बोलने पे इसको पता नहीं कैसे ये पता चल जा रहा है बात यार, ये क्या बकवास है, आउटपुट को रिमूव कर देता हूँ मैं फिलहाल के लिए,
आउटपुट को रिमूव कर रहा हूँ जस्ट टू कीप इट सिंपल, ठीक है, शायद इसकी वजह से ग्लिच कर रहा है, ठीक है। रीसेट कॉन्टेक्स्ट का बटन दबाया मैंने और अब मैंने दोबारा बोला यस, यार इसको मिल जा रहा है, क्या बकवास है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इसको क्यों मिल जा रहा है ये। आइडियली इसको होना ये चाहिए, मैंने बीटा इनेबल तो नहीं कर दिया था ना, बीटा इनेबल करने से भी कुछ चीज़ें मस्ती करने लग जाती हैं। लॉग डायलॉग फ्लो इंटरेक्शन, लॉग दिस दिस दिस, बस सही है। एमएल सेटिंग तो हमने चेंज तो नहीं की कुछ भी, वैसे इससे ताल्लुक नहीं है उसका। हाँ नेम, नहीं नेम से कोई ताल्लुक नहीं है इसका वैसे तो। यहाँ पे इनपुट कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये तो कोई भी आपकी मर्जी का कोई भी नाम हो सकता है। न्यू ऑर्डर मैंने कर दिया इसको, ये तो आपकी मर्जी का कोई भी नाम हो सकता है ना। अब मैं इसको यस बोलूँ ना तो उसको बोलना चाहिए कि डिफॉल्ट फॉल बैक इंटेंट हो गया, तो ये क्या बात थी यार। नहीं ये सही कह रहा है वैद कि वो पीछे ट्रेनिंग कर रहा होगा। अब इसमें मैं कोई बिल्कुल तीसरी बात कर देता हूँ, ये तो जस्ट एक वर्ड है, कॉन्टेक्स्ट एक वर्ड होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि कोल्ड ड्रिंक आस्क, सही है। कूल ड्रिंक मैंने स्पेलिंग भी इसकी डिफरेंट लिखी है, कोल्ड वाली नहीं लिखी, कूल ड्रिंक लिखी है, कूल ड्रिंक आस्क, और मैंने इसका आउटपुट हटा दिया। मैंने कहा जस्ट ये इनपुट होगा तो ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलना चाहिए। अच्छा इंटेंट सेव लिखा आ गया और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग अभी स्टार्टेड हो गई है, अभी हम ट्रेनिंग के कंप्लीट होने का वेट करते हैं। ये गियर जो घूम रहा है ना इसके कंप्लीट होने का वेट करता है, तो मे बी ये वाला इशू था जिसकी वजह से वो चल जा रहा था, यस चल जा रहा था। अच्छा ट्रेनिंग कंप्लीटेड लिखा आ गया, अब मैंने इसको रीसेट कॉन्टेक्स्ट किया और इस पेज को पूरे को रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर। तो अब मैं इसको बोलूँगा ना कि यस, तो ये इसको बोलना चाहिए कि यस के नाम से कोई इंटेंट मौजूद नहीं है। बिल्कुल अब सही चला है, जैसे एक्सपेक्ट किया था मैंने, अब ये वैसे चल रहा है, ठीक है। बीच में ग्लिच हो गया था कुछ या मिस्टेक हो गई थी, जो भी कह लो, अब ये सही चल रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ है कि इस इंटेंट को मैं कभी भी ट्रिगर नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मैंने बात लगा दी है ना, ये तो कहीं से भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि अब इस इवेंट को, इस इंटेंट को मैं यस बोलूँ, नो बोलूँ, कोल्ड ड्रिंक बोलूँ, गिव मी कोल्ड ड्रिंक बोलूँ, इसको मैं किसी भी हाल में ट्रिगर नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता मैं, सही है। अच्छा अब इमेजिन करो कि न्यू ऑर्डर में गया मैं, है ना। अच्छा यहाँ पे मैं गया कॉन्टेक्स्ट में, और इसके मैं आउटपुट कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखूँगा, कूल ड्रिंक आस्क, और इसको मैं कर दूँगा सेव। अब क्या होगा कि जैसे ही बंदा कोई न्यू ऑर्डर के इंटेंट को हिट करेगा ना, तो ये कॉन्टेक्स्ट में ये बात एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में ये बात एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा सेव करते हैं, और अब मैं देखो क्या करूँगा, इसको रीसेट कॉन्टेक्स्ट किया मैंने इसका, और इसको मैंने बोला हाय, ठीक है, शुरू से चला रहा हूँ मैं इस चैटबॉट को। अच्छा हाय में ना समथिंग वेंट रॉन्ग, अच्छा इसका वो सर्वर कनेक्ट नहीं है ना, चलो कर लेते हैं कनेक्ट, सर्वर इसका कनेक्ट कर लेते हैं ताकि प्रॉपर चलने लग जाए। एंड क्या था भाई, सी डी फोर npm run dev, और सर ये वो npm i not bound, मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, कर लेता हूँ। सही जी, ये चल पड़ा, और डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया। अब मैंने चलाना है ngrok, क्या है इसका पोर्ट 5001,
यार ये चीज़ें कहाँ चली गई सारी मुझे। NPM चीज़ें मुझे दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ रही हैं। ठीक है जी, चलो एनजी रॉक भी हमारा चल पड़ा। अब इस एनजी रॉक ने जो ये यूआरएल दिया है इसको मैं ले जाता हूँ फुलफिलमेंट में, ताकि जब मैं डायलॉग फ्लो से बात करूँ तो वो इस सर्वर पे लेकर आए रिक्वेस्ट, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, तो अब मैं जब हाई बोलूँगा तो ज़ाहिर है वो हाई का जवाब इसको देना चाहिए। ठीक है, तो हाय इसने बोला कि हाय गुड नाइट वेलकम टू एबीसी पिज़्ज़ा स्टोर एक्स वाई जेड जो भी। अच्छा अभी ना देखो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कोई भी नज़र नहीं आ रहा, कॉन्टेक्स्ट में कोई भी बात नहीं है। अगर मैं डायग्नोस्टिक इन्फो में भी जाऊँगा ना तो जो आपका जो रिक्वेस्ट है इसमें भी कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो खाली है। देखो ये कॉन्टेक्स्ट में कोई बात नहीं है, नो इनपुट कॉन्टेक्स्ट नो आउटपुट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और रिस्पॉन्स में भी जो है वो कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट वाली कोई चीज़ का जिक्र नहीं है। अगर रॉ में आता हूँ मैं तो यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट का कोई ऐसा जिक्र नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही अब मैं क्या करूँगा इसको मैं बोलूँगा ना कि भाई ऑर्डर पिज़्ज़ा। ठीक है, तो जैसे ही ये बोलूँगा क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट चल पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट देखो ये जो चीज़ आई है ना ये पहले नहीं थी यहाँ पर, है ना। अब मैं इसके उधर भी जाऊँगा ना जब डायग्नोस्टिक इन्फो में, तो वहाँ पर भी मुझे देखो अभी ये ना ये बता रहा है कि भाई कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, एक तो कॉन्टेक्स्ट वो वाला है जो पैरामीटर कलेक्शन हो रही है, वो भी असल में इंटरनली वो कॉन्टेक्स्ट के जरिए ही करता है। ठीक है, एक और कॉन्टेक्स्ट हमारे पास होगा ये वाला। ठीक है, देखो जितने पैरामीटर ना उतने कॉन्टेक्स्ट इसने ओपन कर दिए। लास्ट में एक हमारा वाला होगा जो हमने भी है ना लिखा है, जो नाम उसका कहाँ चला गया यार। अच्छा, वो अभी आया नहीं है। पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, इस इंटेंट को ज़रा कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अभी तो पैरामीटर कलेक्शन वाला कॉन्टेक्स्ट खोला हुआ है इसने। अच्छा, तो क्या इसने बोला कि भाई टेल मी नेम, मैंने कहा मलिक। ओके, अच्छा अब इसने क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी जब पूछ रहा तो क्वांटिटी का कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेट है। ठीक है, मैंने कहा भाई 3। अच्छा, जब साइज़ पूछ रहा है तो साइज़ का कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेट है, बट इस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, ये इंटरनली कर रहा होता है लार्ज। ठीक है, पिज़्ज़ा फ्लेवर का कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेट है ये। अच्छा, फ्लेवर जो मैंने कह दिया कि भाई सही है। हाँ देखो, अब जैसे ही ये कंप्लीट हो गया ना, यू सेड 3 फहीता पिज़्ज़ा, योर पिज़्ज़ा इज़ ऑन द वे, वुड यू लाइक टू हैव सम कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेट हो गया। अब इस कॉन्टेक्स्ट के एक्टिवेशन में ना देखो एक दो चीज़ें गौर करने वाली हैं। ठीक है, फुलफिलमेंट रिस्पॉन्स में तो नहीं, ये रिक्वेस्ट में ही दिख रहा होगा। कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कहाँ चला गया कॉन्टेक्स्ट यार, ये रहा आउटपुट कॉन्टेक्स्ट। सही है, आउटपुट कॉन्टेक्स्ट में जो है कोल्ड ड्रिंक आस्क इसका नाम है कॉन्टेक्स्ट का, और इसका जो लाइफ स्पैन काउंट है ना वो है 5। सही है, और ये उसके बाद ये अगली चीज़ है, ये आगे की कहानी है। तो ये जो मेरा आउटपुट कॉन्टेक्स्ट है इसका लाइफ स्पैन जो है वो 5 है, और वो नीचे जो पैरामीटर्स वगैरह जो हमने कलेक्ट किए ना, जो इससे पिछले कॉन्टेक्स्ट जो थे उसका वो पैरामीटर वगैरह मिल रहा है। अब ये लाइफ स्पैन 5 का मतलब क्या है कि अब मैं बोलूँगा ना यस, जब मैं पहले बोलता था यस तो क्या समझता था, वो कहता था डिफ़ॉल्ट फॉल बैक इंटेंट, इस नाम से कोई इंटेंट नहीं है। अब मैं जब बोलूँगा ना यस तो वो उसको समझेगा। ठीक है, ओके कोल्ड ड्रिंक विल बी सेंट, लेकिन ये जो मेरा स्पैन जो था इसका डायग्नोस्टिक इन्फो में वापस जाके देखूँगा कि इसका स्पैन अब कितना है, इसका स्पैन है 4। अब ये अगले 4 कन्वर्जेशन तक, इसको मैं दोबारा हाई बोलूँगा ना, अब ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसका एक्चुअल जो स्पैन है वो एक्चुअल में होना कितना चाहिए मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 1 होना चाहिए ना। लाइफ स्पैन इसका 1 होना चाहिए, तो मैं आ जाता हूँ इसका लाइफ स्पैन। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा न्यू ऑर्डर जब भी चलाया जाए तो
तो एक आउटपुट कॉन्टेक्स्ट निकलेगा जिसका स्पैन क्या होगा, वन होगा लाइफ स्पैन, कि बस अगली एक कन्वर्जेशन में ही उसने यस या नो बोल के ख़त्म करना है, ठीक है, या एहतियातन मैं इसको कर देता हूँ दो, लेकिन ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है कि इसको एक रखना है या दो रखना है, ठीक है, तो एक रखते हैं फिलहाल के लिए, हम इसको दो रख सकते हैं आप कुछ केसेस में, कि मिसाल के तौर पर पहली दफ़ा में बंदे को सवाल ही समझ नहीं आया, ठीक है, तो बंदे ने कुछ भी बोला, तो फिर जब कुछ भी बोला तो वो जाएगा डिफ़ॉल्ट फॉल बैक में, अब फॉल बैक में जब चला गया तो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा कि मेरे समझ नहीं आई बात, तो अब वो क्या यस नो उसको अब समझ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो अगर उसने एक ही क्वेश्चन में गलत बात कर दी ना कोई और वो कहीं और निकल गया तो बस वो ख़त्म हो गई बात, वहाँ से और आगे नहीं है, सही है, या तो मुझे उसको भी हैंडल करना पड़ेगा, या तो मुझे, अब ये बहुत गौर से समझोगे तो ये बात समझ आएगी, अभी मैंने ये जस्ट आपको 20% बात बताई है, इतनी बात सब लोगों को समझ आई कि एक इंटेंट हिट होगा, वो उसका एक आउटपुट कॉन्टेक्स्ट होगा और उस आउटपुट कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे इनपुट कॉन्टेक्स्ट होंगे, सही है, तो अब मैंने क्या कर दिया कि मेन फ्लो से मेरा जो ये ऑर्डर यस वाला जो था ना, अच्छा ये कन्वेंशन ये है कि जिस जिसके साथ ये डैश यस लगा हुआ है ना वो इस ऑर्डर के बाद चलेगा, कन्वेंशन है, देख के समझ आ रहा है आपको, अच्छा जब आप करते हो ना ऐड फॉलो अप इंटेंट, जिसमें मैं ऐड फॉलो अप इंटेंट करता हूँ और मैं बोलता हूँ नो, क्योंकि नो भी तो चाहिए ना, चलो यस का ही कर देता हूँ मैं, देखो ये सेम काम करता है, अगर आप और करोगे ना तो ये सेम काम करता है, अच्छा यस तो ये मेरे ख्याल पहले से बना हुआ है इसलिए इसको समझ नहीं आया, नो सही है, नो बना दिया इसने, अब देखो ये असल में बना हुआ तो आ रहा है ना इस तरह, लेकिन असल में ये है कुछ भी नहीं, अब अगर नो के अंदर जाओगे ना तो देखो क्या है, ये कोल्ड ड्रिंक आस्क और न्यू ऑर्डर फॉलो अप, और यही दोनों कॉन्टेक्स्ट वहाँ से इसने आउटपुट मार दिए होंगे, ठीक है, यही दोनों कॉन्टेक्स्ट देखो यहाँ से इसने आउटपुट मार दिए और दो लाइफ स्पैन के साथ किया इसने, ये डिफॉल्ट में ये दो के साथ करता है, ठीक है, इसको मैं अगर रिमूव कर दूँ यहाँ से और इसको सेव कर दूँ तो वो चलना बंद हो जाएगा दोबारा से, क्योंकि वो चलता है कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए, ठीक है, यहाँ पर जाके मैं क्या करूँ, इन दोनों को रिमूव कर दूँ मैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, क्योंकि कोई इनपुट कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो वो उससे रूट से भी बाहर आ गया, जो उसने एरो बनाया हुआ था ना वो ख़त्म कर दिया, और अब क्या होगा, यहाँ से मैं नो बोलूँगा तो वो डायरेक्टली चल जाएगा, ठीक है, अब पता नहीं खैर ये चला क्यों नहीं, नो में कोई जवाब नहीं है शायद, नो में जो है वो जवाब नहीं है, दिस इज नो, ठीक है, अच्छा ये एक्शन पैरामीटर भी जो उसने लगा के दिया इसका भी कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही है, ठीक है, इसकी जगह पे लोग आमतौर पे अब नाम यूज़ करते हैं, तो मैं इसको अब बोलूँगा ना नो, अगर रीसेट कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेश, नो पता नहीं क्यों नहीं पकड़ रहा ये नो, हालांकि पकड़ लेना चाहिए उसको, मे बी वो ट्रेनिंग चलने का चक्कर हो शायद, तो एक दफ़ा ट्रेनिंग को प्रॉपर चला के देख लेते हैं, ट्रेनिंग तो चली नहीं यार, क्या चक्कर है, ट्रेनिंग को मैन्युअली जाके ट्रिगर करते हैं, ट्रेन अब चलिए ट्रेनिंग, सही है, मैन्युअली सेटिंग में भी ट्रेन का बटन होता है, वहाँ से जाके भी हम ट्रिगर कर सकते हैं, अब मैं इसको बोलूँगा ना नो तो इसको डिटेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, दिस इज़ नो लिखा हुआ है, तो इस यस और नो को ना मुझे ये यस और नो टाइप की जो चीज़ें ना बहुत जनरल किस्म की है, जाहिर है दूसरे इंटेंट भी होंगे जिसमें ये यस नो होगा, तो इनको मुझे मेन से हटाना पड़ता है, मेन फ्लो से इसको हिडन करना पड़ता है, बंदा ने आके डायरेक्ट यस बोला या डायरेक्ट नो बोला कुछ भी नहीं समझ आएगा उसको, वो बोलेगा ये इस नाम का कोई इंटेंट ही नहीं है, लेकिन अब न्यू ऑर्डर के बाद क्या हो सकता है, एक होता था यस एक हो सकता है नो, है ना, यस भी हो सकता है नो भी हो सकता है, बंदा कोल्ड ड्रिंक को मना भी तो कर सकता है, तो उस पर एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, बंदे ने यस बोला तो उस पर एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, और एक उसका फॉल बैक, कि यस नो के अलावा कोई भी तीसरी बात कर दी ना उसने तो उसका एक फॉल बैक, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अब ये तो मैंने समझाने के लिए कॉन्टेक्स्ट समझा रहा था, मैं ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया सब लोगों को, अब मैं इसको डिलीट करके ना इस इंटेंट को और फॉलो अप इंटेंट तैयार कर रहा हूँ, जो प्रॉपर उसका जो यानी बिल्ट इन उन्होंने एक दिया हुआ है ना मंजन, वो कर रहा हूँ, तो फॉलो अप इंटेंट में मैंने कहा यस बना दो एक, सही है, एक बना दो आप नो,
कि कोल्ड ड्रिंक को यस भी कर सकता है, कोल्ड ड्रिंक को नो भी कर सकता है बंदा। तीसरा बना दो फॉलो अप, ये फॉल बैक इंटेंट, सही है, ये फॉल बैक इंटेंट हो गया, तीन हो गया। तो आपका अगर बंदे ने यस या नो के अलावा कोई तीसरी बात बोली ना, तो ये फॉल बैक हिट होगा। अच्छा, हमेशा क्या हमें ये फॉल बैक चाहिए होता है? इसका जवाब है नहीं, हमेशा हमें ये फॉल बैक नहीं चाहिए होता। हमें ये फॉल बैक बहुत रेयर केसेस में चाहिए होता है, उस वक्त कि जब फॉल बैक, जब मैंने फॉलो अप में जो पूछी है ना बात यस या नो, वो रिक्वायर्ड है, 100% रिक्वायर्ड है, उसको बोले बगैर आगे नहीं जा सकते आप। कोल्ड ड्रिंक में तो यस नो बंदे ने अगर नहीं बोला तो मतलब इसका मतलब है नहीं है, अगर यस बोला तो यस है, बाकी कुछ भी बोला तो मतलब नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगी बात, कहीं और निकल जाएगा वो। लेकिन इमेजिन करें कि कोल्ड ड्रिंक का मैंने हर हाल में पूछना ही पूछना है। नहीं, वो तो अभी पैरामीटर्स होंगे ना अंदर, अभी तो हम ये बात करें कि यस बोलेगा या नो बोलेगा या कुछ और बात कर देगा, अभी हम उस पर आते हैं अंदर उसके क्या होगा। अंदर तो वो एक नॉर्मल इंटेंट है, इंटरनली ये फॉल बैक या ये यस या ये नो एक नॉर्मल इंटेंट है। तो एक नॉर्मल इंटेंट में जिस तरह पैरामीटर होते हैं, बंदे ने बोला ना यस, तो अंदर तीन पैरामीटर होंगे, कौन सी कोल्ड ड्रिंक, कौन सा साइज, और जो भी है और कोई बात हो सकती है अगर, तो वो तीन पैरामीटर अंदर होंगे। अच्छा, फिर इस यस का मजीद फॉलोअप भी हो सकता है ना, इस यस पे जब मैं आता हूँ तो फॉलोअप एक और बन रहा है यहाँ पे, तो वो मजीद फॉलोअप भी हो सकता है इसका, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हम ना जाएं, इतना अंदर तक डेप्थ में हम ना जाएं, कोशिश हमारी यही होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये मैंने जिक्र किया था कि ये ऐड फॉलोअप इंटेंट का ना ऑप्शन मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ऐड फॉलोअप का जो ऑप्शन है वो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि सम टाइम ऐसा, देखो अभी तो ये यस है ना, ये डेडिकेटेड हो गया इस न्यू ऑर्डर के लिए, डेडिकेटेड हो गया। बट कोल्ड ड्रिंक ना मैं कहीं और भी पूछता हूँ, मिसाल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक की बात मैं कहीं और भी करता हूँ, तो मैं वहाँ पे भी, मिसाल के तौर पे जब बंदा अब तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है, इमेजिन करो कि कोई दूसरा इंटेंट है, उसमें बंदा ऑर्डर करता है नाश्ता, ब्रेकफास्ट, कि भाई प्लीज़ ऑर्डर ब्रेकफास्ट, तो उस ब्रेकफास्ट में भी मैं आखिर में सवाल डाल देता हूँ, हर जवाब के साथ एक सवाल डाल देता हूँ कि भाई कोल्ड ड्रिंक चाहिए क्या। तो वो सवाल डालने के साथ साथ मैं क्या करूँगा, एक कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेट कर दूंगा कि कोल्ड ड्रिंक आस्क। कब इसको सीन, अच्छा जो डायलॉग फ्लो थ्री है ना अभी, जो V3, हम वो डिस्कस नहीं कर रहे V3 यहाँ पे, उसका नाम ना CX रखा है, तो उसके अंदर इसका नाम रखा है सीन, जो ड्रामे का सीन होता है ना वो वाला। तो अभी ये सीन में कौन कौन से इंटेंट मौजूद हैं, एक मिसाल के तौर पे एक चैट बॉट है, उसमें 20-25 इंटेंट हैं, लेकिन 20-25 इंटेंट में से अभी सीन में कौन कौन शामिल है, तो सिर्फ चार अभी सीन में शामिल है, बाकी सारे हिडन हैं। अच्छा, तो इमेजिन करो कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो न्यू ऑर्डर 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांच इंटेंट जो है ना सीन में शामिल है अभी। अच्छा, ये यस नो ये सब ना, ये सब हिडन है, इनका रोल अभी आएगा एक सर्टन पॉइंट में ना, इस ड्रामे के, इस कन्वर्जेशन के एक सर्टन पॉइंट पर ना ये तीनों एंट्री मारेंगे अपनी अभी, लेकिन ये सीन में शामिल नहीं है। तो बड़ा अप्रोप्रिएट नाम रखा है उन्होंने सीन, तो उसको सीन को एक्टिवेट करना होता है, इसमें कॉन्टेक्स्ट ना उसमें कहते हैं सीन, वो कहते हैं कि सीन का नाम बताओ, है ना, वो कहते हैं सीन का नाम बताओ, तो इसमें कॉन्टेक्स्ट जो कहते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट का एक नाम रखते हैं, तो उसमें एक सीन होगा कि कोल्ड ड्रिंक आस्क, अब ये सीन एक एक्टिवेट होगा ना कोल्ड ड्रिंक आस्क, तो ये तीनों इंटेंट आ जाएंगे रोल में आ जाएंगे। तो ये काइंड ऑफ सेम चीज़ है, वो API तो ज़ाहिर है फ़र्क नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने बनाने का तरीका थोड़ा फ़र्क किया और चीज़ों के नाम थोड़े टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट किए। तो अगर ये अच्छे से समझ जाओगे ना, तो V3 तो ज़ाहिर है वो तो अभी असल में वो स्टेबल नहीं हुआ, उसका प्रॉब्लम भी वो ग्लिच बहुत कर रहा है, ये तो बड़ा स्टेबल हो चुका है, जब शुरू में ये आया था तो ये भी बहुत ग्लिच करता था, चीज़ें कन्फर्म नहीं होती थी कि यार क्या कैसे चल रहा है। तो इसलिए सिखाने के लिए मैंने इस वाले का चुनाव किया, उस वाले का नहीं किया। अच्छा, तो ये बात समझ आ गई कि हमारे पास किसी भी इंटेंट का कोई आउटपुट कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, और उस आउटपुट होने के नतीजे में कुछ दूसरे इंटेंट वो सीन में शामिल हो जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। अच्छा, तो अभी ये दोस्त कह के गए नमाज का टाइम हो गया, तो ज़रा नमाज़ पढ़ के वापस आ जाए। तो कॉन्टेक्स्ट में एक छोटी सी बात और रह गई है, वो कंप्लीट करके ना फिर हम मूव करेंगे कि रिएक्ट से इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, ये दो चीज़ें आज हम चाहते हैं, ठीक है। चलो, वो ये रह गई है,
वो भी हम ज़रा कवर कर लेते हैं जल्दी से आगे, कि आप ना इसको क्या हो गया, रुक गया ये, चलो दोबारा चला देते हैं। एक तो मैंने यहाँ से इसको भेजा था ना न्यू ऑर्डर करके, हार्ड कोडेड वहाँ पे मैंने एक कॉन्टैक्ट इन्वोक करवा दिया था। सम टाइम मुझे इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है कि वो कॉन्टेक्स्ट कंडीशनल हो। सम टाइम न्यू ऑर्डर के लास्ट में इमेजिन करो कि यहाँ पे मैंने जो लोग है ना बोला है कि वुड यू लाइक टू हैव अ कोल्ड ड्रिंक, अब मैं इसकी जगह मैं कुछ और भी पूछ सकता हूँ ना सम टाइम, तो ये तो मेरे लिए कंडीशनल है 100% यहाँ पे। मिसाल के तौर पे अगर ऑर्डर में उसने अगर पिज़्ज़ा बोला है तो मैं साथ में उसके कोल्ड ड्रिंक बोलूँगा, अगर उसने ऑर्डर में कोई निहारी वहारी बोली है तो साथ में मैं उसके सैलड वगैरह शायद बोलूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे कंडीशनल बात है। तो मेरे पास एक, अगर तो मैं यहाँ से न्यू ऑर्डर से हर दफ़ा करता हूँ तो हर दफ़ा कोल्ड ड्रिंक ही होगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता है ना, तो मैं यहाँ पे कंडीशनल भी कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेट कर सकता हूँ। वो कहाँ गया, यहाँ पे हमने पूरा हुआ है ना ये वेबुक रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट आएगी आपके पास और रिस्पॉन्स भेजने का वो अभी है डॉक्यूमेंट में चल के देखते हैं। ये रहा आउटपुट कॉन्टेक्स्ट, ऐसे करके जो है ना मैं उसका आउटपुट निकालूंगा। आउटपुट के लिए ना प्रोजेक्ट्स, उसके बाद प्रोजेक्ट की आईडी, ये तो हमें पता होती है क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में हम लगे हैं, एजेंट, उसके बाद सेशन, उसके बाद सेशन आईडी। सेशन आईडी ना मुझे हर रिक्वेस्ट के साथ मिलती है, सही है, हर रिक्वेस्ट के साथ ना ये मुझे रैंडम एक सेशन आईडी बना के दे रहा होता है। अगर मैं एक कर्ल को कॉपी करूँगा ना, ये जो रिक्वेस्ट जा रही, मतलब यहाँ से जब मैं बात करता हूँ तो देखो इसमें ना एक सेशन आईडी जा रही होती है, ये है मेरी सेशन आईडी और ये हर दफ़ा यूनिक होती है, ये इतनी सेशन आईडी। तो इन चीज़ों को मिला के ना मैं यहाँ पे आउटपुट कॉन्टेक्स्ट एक बनाने की कोशिश करता हूँ, सही है। तो मैं यहाँ से भी वेबहुक से भी, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्स वेबहुक से आ रहा है, तो अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं कॉन्टेक्स्ट भी वेबहुक से भेज सकता हूँ, ठीक है, कि कभी मैं बोलूँगा कोल्ड ड्रिंक आस्क, कभी मैं बोलूँगा सैलड आस्क। और यहाँ पे क्या बना हुआ होगा, यहाँ पे एक यस बना हुआ होगा कोल्ड ड्रिंक के इनपुट के साथ, एक बना हुआ होगा सैलड के यस के साथ, तो साथ साथ होंगे दो यस। लेकिन जब मैं सर्वर से सैलड वाला कॉन्टेक्स्ट डालूंगा तो यस बोलने पे सैलड चलेगा, जब मैं सर्वर से कोल्ड ड्रिंक वाला डालूंगा तो यस बोलने पे कोल्ड ड्रिंक चलेगा। ये बात समझ आई सब लोगों को, ये सब मिक्स हो गया। अच्छा कॉन्टेक्स्ट तो बेसिक कॉन्टेक्स्ट तो समझ आ गया ना, कि बेसिक कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, एक कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेट होता है और कुछ ऐसे इंटेंट होते हैं जिसमें इनपुट के तौर पे वो लगा हुआ होता है कॉन्टेक्स्ट, तो वो सीन में शामिल हो जाता है, अदरवाइज वो सीन में शामिल नहीं होता। अच्छा अभी मैं न्यू ऑर्डर पे आता हूँ और न्यू ऑर्डर पे आके ना मैं क्या करता हूँ, ये आउटपुट इसका ना उड़ा देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक आस्क को मैंने क्या कर दिया, उड़ा दिया यहाँ से, ठीक है। अब कोल्ड ड्रिंक आस्क जो मैंने उड़ा दिया, तो अब किसी भी पॉइंट पे बंदा यस बोलेगा ना तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो मिल ही नहीं रहा। अच्छा यस में भी ना इसने दो चीज़ें डाली हुई होती हैं, वो ज़रा दूसरा भी मैं उड़ा दूँ, ठीक है ना। न्यू ऑर्डर फॉलो अप करके भी ना एक वो कॉन्टेक्स्ट दे रहा होता है, तो मैं इसको भी उड़ा देता हूँ। मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक आस्क पे रख रहा हूँ अभी, वो उसने बिल्टन में ना दो कॉन्टेक्स्ट का सहारा लेता है वो इस काम को करने के लिए, ठीक है। हालांकि दोनों की ज़रूरत नहीं होती लेकिन दो का लेता है वो, ठीक है। तो यस को आप देखेंगे इसने बाहर भी निकाल दिया इससे, जब वो दोनों डिस्कनेक्ट हो गए ना, इनपुट और आउटपुट जब वो मैच नहीं हो रहे थे, तो उसने इसको इससे बाहर भी निकाल दिया। अब मैं इस यस को किसी भी हाल में ट्रिगर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आके यहाँ पे बोला, ये आउटपुट कॉन्टेक्स्ट वाली बात मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा ये आउटपुट कॉन्टेक्स्ट ना इस तरह नहीं होता, ये अभी ज़रा डॉक्यूमेंट में देखते हैं कि एग्जैक्टली ये होगा कैसे ना, वो अभी हम देखते हैं। अच्छा ये न्यू ऑर्डर के मैं रिस्पॉन्स पे आया है ना, न्यू ऑर्डर का रिस्पॉन्स है ये, यहाँ पे फुलफिलमेंट मैसेजेस है, फुलफिलमेंट मैसेजेस के साथ मैंने कॉपी करके ये आउटपुट कॉन्टेक्स्ट लगा दिया। तो अब ना सिर्फ ये मैसेज जाएगा यूज़र के पास, बल्कि ये कॉन्टेक्स्ट भी मैंने एक्टिवेट करवा दिया, यहाँ से एक्टिवेट करवा दिया। इतनी बात समझ आ गई, इतना ही रखो फिर उसको, सही है, इतना ही रखो। अभी आईडी कैसे देंगे वो देख लेते हैं, आउटपुट कॉन्टेक्स्ट का ना वो तरीका क्या है ज़रा वो जेसन में चल के देखते हैं, डायलॉग फ्लो डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं और डॉक्यूमेंटेशन में जाके ना वो ज़रा रिस्पॉन्सेज, ये तो रिक्वेस्ट में से मैं कॉपी करके ले आया है, अभी रिस्पॉन्स में देखते हैं वो कैसे हो, ऐसे ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन थोड़ा सा शायद डिफरेंट हो। डायलॉग फ्लो ई एस, और इसके हम आ जाते हैं फुलफिलमेंट,
हाँ ये आ गई ना रिक्वेस्ट, ठीक है ये आ गई रिक्वेस्ट, पूरा का पूरा रिक्वेस्ट आ गई, ये आ गया रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसने तो रिस्पॉन्स थोड़ा थोड़ा करके बताया ना, हाँ ये आ गया ना, नीचे कॉन्टेक्स्ट का भी जिक्र है यहाँ पर, ये आ गया कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट का जो रिस्पॉन्स है ना वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये तो सेम ही है, वही वाला है, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, देखो जहाँ पे फुलफिलमेंट मैसेजेस एंड हो रहा है ना, ये फुलफिलमेंट मैसेजेस की जो की है इसका सिबलिंग होगा ये, तो सही है मैंने सही लगाया, सही जगह पे लगा हुआ ये फुलफिलमेंट मैसेजेस का सिबलिंग है ये। अच्छा यहाँ पे प्रोजेक्ट के बाद जो प्रोजेक्ट आईडी है ना, प्रोजेक्ट आईडी हमारी क्या है ज़रा देख लेते हैं चल के, हमारी जो प्रोजेक्ट आईडी है वो ये है, सही है ये सेटिंग में भी दिख रही होती है, सेटिंग में चलते हैं, ठीक है। तो मेरी प्रोजेक्ट की आईडी देखो ये नज़र आ रही है, इसको मैंने कॉपी किया प्रोजेक्ट आईडी को और प्रोजेक्ट आईडी की जगह पे लगा दिया, ठीक है। एंटर क्यों हो गए, सही है प्रोजेक्ट स्लैश और एक्चुअल वो आईडी, उसके बाद एजेंट स्लैश सेशंस, उसके बाद सेशन की आईडी। अब ये सेशन की आईडी का सीन कुछ ऐसा है कि सेशन की आईडी ना हर दफ़ा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस सेशन की आईडी को ना मुझे रिक्वेस्ट से उठाना पड़ेगा, जो रिक्वेस्ट का मुझे पूरा ऑब्जेक्ट मिला है ना, अब देखो रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में ना मुझे सेशन आईडी मिलती है, ये देखो ये सेशन है पूरा। अब ये सेशन आईडी जो मिलती है ना, इसका तरीका क्या है, प्रोजेक्ट स्लैश प्रोजेक्ट आईडी, इसमें एक्चुअल आईडी होगी उस प्रोजेक्ट की, और सेशंस स्लैश सेशंस आईडी, ठीक है। हाँ तो ये मुझे कहाँ पे मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मुझे ये पूरा ऐसे मिल जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सेशन उठा लूँगा यहाँ से और उसमें थोड़ी सी चेंजेस करूँगा तो वो मेरा तैयार हो जाएगा मंजन जो एक्चुअल में मुझे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास ना ये चीज़ मौजूद है सेशन के अंदर, इतनी चीज़ मौजूद है, ठीक है। तो मुझे इसमें क्या चाहिए, प्रोजेक्ट स्लैश एजेंट स्लैश सेशन स्लैश सेशन आईडी। अच्छा सेशन आईडी के बाद ना ये इतना पार्ट मुझे चाहिए अलग से, जो ये उसमें नहीं मिल रहा है। अच्छा तो मैं इतने पार्ट को क्या करूँगा, उड़ा दूँगा और यहाँ पे लगा दूँगा ऐसे टेम्पलेट, टेम्पलेट में उठा के क्या रखवा दूँगा मैं, पूरा का पूरा वो बात रखवा दूँगा, है ना, सेशन रखवा दूंगा मैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सेशन, ठीक हो गया, मसला हल हो गया मेरा। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सेशन में जो बातें मिल रही थी उसके आगे स्लैश कॉन्टेक्स्ट नेम। अच्छा कॉन्टेक्स्ट नेम के अंदर मैं क्या लिखूंगा, जो मेरे कॉन्टेक्स्ट का नाम है, मेरे कॉन्टेक्स्ट का नाम मेरी मर्जी का कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो वहां जा रहे मैंने लिखा हुआ है तो वो फिक्स एक नाम होगा। तो मेरे केस में कॉल कूल ड्रिंक है, सही है, डी बड़ा था और आस्क भी है साथ में, ये था ना मेरा। तो ये मैंने जो टेक्स्ट मैसेज भेजा है यहाँ से उसके साथ साथ एक आउटपुट कॉन्टेक्स्ट भी निकाला है, इसका लाइफ स्पैन मैंने रखना है दो, ठीक है, या एक। पैरामीटर्स इसके अंदर कुछ भी नहीं होंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। तो पैरामीटर को मैं वैसे ही हटा भी सकता हूँ चाहूँ तो, ऐसे भी छोड़ सकता हूँ जैसे ये है, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, ये एक्शन पैरामीटर से थोड़े डिफरेंट होते हैं, कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर्स होते हैं ये। तो इसमें मैं चाहूँ ना तो कोई बात सेव करवाऊँगा ना तो मुझे इसी तरह मिलती रहती है, जब तक ये कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेट होगा ना जब तक ये बात मुझे मिलती रहेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर बंदे ने बोला है ना कि भाई मुझे पेप्सी चाहिए, तो यानी इधर ही मुझे बंदे ने बोल दिया इसी ऑर्डर के दरमियान कहीं पेप्सी का जिक्र आ गया कहीं, तो मैं सम हाउ अगर उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ ना तो यहाँ पे ब्रांड इक्वल्स टू पेप्सी लगा के मैं इसको रखूँगा ना, तो जब तक ये लाइफ स्पैन पूरा नहीं हो जाता ये पैरामीटर मुझे मिलते रहेंगे, ये छोटा सा लोकल स्टोरेज है हमारे। तो जब तक ये कॉन्टेक्स्ट रहेगा जब तक ये छोटा सा लोकल स्टोरेज भी रहेगा। अब इस लोकल स्टोरेज में आपने क्या रखना है इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, समटाइम यूजफुल रहता है ये लेकिन कुछ इतना ज़्यादा यूज़ इसका है नहीं सही मामलों में, ठीक हो गया। तो ये आउटपुट कॉन्टेक्स्ट मैंने कहाँ से निकाल दिया, वेब हुक से जो रिस्पॉन्स आया था उसी के साथ साथ निकाल दिया। तो अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। अच्छा इसको जो है ना मैं क्या करता हूँ, इतने पार्ट को कॉन्सोल भी करा लेता हूँ जस्ट फॉर सेफ साइड के अगर समहाउ ना मुझे वो कि अगर वो काम ना करे ना तो मैं ज़रा इस कॉन्सोल को देख लूँ। तो दो स्टेप में करने के बजाय मैं क्या करूँगा इसको एक ही स्टेप में कर देता हूँ, सही है। इसको मैंने क्या कर दिया कॉन्सोल करवा दिया, मैंने कहा कि भाई सेशन
सही है, सेशन करके मैंने इसको कॉन्सोल करा दिया। अब मैं ज़रा आके ना इस पर यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट करता हूँ जल्दी से, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ जो न्यू ऑर्डर जो था, इस न्यू ऑर्डर में से मैं कोई आउटपुट नहीं जनरेट कर रहा, है ना। न्यू से कोई मैं आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा। ये नो जो है ना, इसको भी मैं ज़रा डिस्कनेक्ट मारता हूँ इससे। ये नो का भी ना, ये दोनों ज़रा मैं अलग करूँगा ना, अगर तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा उससे, ठीक है। देखो नो को भी इसने बाहर निकाल के रख दिया। तो अब देखो न्यू ऑर्डर, न्यू ऑर्डर के अंदर कोई आउटपुट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। वापस आते हैं, यस के अंदर जाते हैं, यस के अंदर सिर्फ एक इनपुट है। अब ये इनपुट कैसे एक्टिवेट होगा ये यहाँ तक देख के पता नहीं चल रहा, लेकिन ये वेबहुक से एक्टिवेट होने जा रहा है। इसी तरीके से नो में जाऊँगा मैं, तो नो में भी जस्ट एक इनपुट है कि ये कॉन्टेक्स्ट होगा तभी ये हिट होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि हाय, ठीक है। अभी तक देखो कोई कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेट नहीं हुआ हुआ, उसके बाद बोलूँगा भाई ऑर्डर लार्ज फजीता पिज़्ज़ा, सही है, सही है, लार्ज फजीता पिज़्ज़ा। अब इसने क्या बोला, अच्छा नेम पूछ रहा है, माई नेम इज़ मलिक, सही है, ओके मलिक, हाउ मैनी पिज़्ज़ा वुड यू लाइक टू हैव, ठीक है। क्वान्टिटी का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, इंटरनल कॉन्टेक्स्ट है ये। मैंने कहा कि भाई मुझे चाहिए 4, एंटर। जैसे ही 4 लिख के मैंने किया, देखो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, कोल्ड ड्रिंक आस्क हो गया ना। ये कहाँ से कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेट हुआ, वेबहुक से आया है। जो काम मैं यहाँ से कर रहा हूँ वही सेम काम मैंने वेबहुक से करवा लिया। अच्छा, और मैं इसके डायग्नोस्टिक इन्फो में जाऊँगा ना, तो यहाँ पर रॉ मुझे पूरी डिटेल दिखाएगा ये। तो देखो आउटपुट कॉन्टेक्स्ट में ना ये आ रहा है यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक आस्क, ठीक है। जो पैरामीटर मैंने वहाँ से रख के भेजे थे वही आ रहे हैं, पैरामीटर नेम, पैरामीटर वैल्यू, ये लोकल स्टोरेज है छोटा सा। अब जब मैं अगली बात करूँगा ना जब, तो ये पूरा रिक्वेस्ट के साथ जाएगा, तो ये लोकल स्टोरेज भी साथ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और इसका लाइफ स्पैन देखो 2 रखा था, 2 आ गया। तो ये हमने कॉन्टेक्स्ट का जो टॉपिक था ना ये कंप्लीट कर लिया। तो ये हमने कॉन्टेक्स्ट में 2 चीज़ें अभी डिस्कस की हैं। नंबर 1, यहाँ लोकल कॉन्टेक्स्ट बना के सीन को ऑन ऑफ करना, अब एक वेबबुक से कर लिया। अब इन 2 चीज़ों से ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉसिबिलिटी का जिक्र किया था, लेकिन टूल इतना ही है, पॉसिबिलिटीज से बहुत सारी बन जाती है। तो उन पॉसिबिलिटीज़ का जिक्र मैं फ़िलहाल के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन का सबब बन रहा था आप लोगों के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ उन पॉसिबिलिटीज़ का जिक्र, लेकिन वो क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रही है ना वीडियो, तो वो मेरे जुमले रिकॉर्ड हो गए, तो मे बी आप उसको दोबारा जब सुनेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या बात की थी मैंने, ठीक है। अभी फौरी तौर पे ये आपके जो क्या कहते हैं खिचड़ी ना बने उसको अवॉइड करने के लिए, तो पॉसिबिलिटीज़ का मैं जिक्र नहीं कर रहा। बाकी टूल समझ आ गया कि टूल काम कैसे कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेट करना, ये समझ आ गया। अच्छा, अब एक लास्ट चीज़ कॉन्टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में वो लास्ट चीज़ ये है कि अगर कोई कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेट हुआ हुआ है पहले से, तो उसको आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे ना, सेम बात जैसे मिसाल कोल्ड ड्रिंक आस्क को ना मैंने डीएक्टिवेट करना है, जानबूझ के डीएक्टिवेट करना है, तो मैं सेम बात यही लिखूंगा और लाइफ स्पैन में इसको 0 करके भेजूंगा, सही है। तो 0 करने से ये कॉन्टेक्स्ट उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, सही है। तो अब ये डीएक्टिवेट किन केसेस में करने की ज़रूरत पड़ती है, मिसाल के तौर पर जैसे ना मैंने रखा है 2 यहाँ पे, अब 2 मैंने रखा है यहाँ पे, अच्छा बंदे ने बोल दिया यस, अब यस बोलने का मतलब ये है कि वो इंटेंट एक्टिवेट हो गया, यस वाला इंटेंट एक्टिवेट हो गया, अब उसके कॉन्टेक्स्ट का कोई काम नहीं है। वंस वो ट्रिगर हो गया ना, कॉन्टेक्स्ट ना भी हो तो चलेगा। तो जब मैं उस यस का इंटेंट कंप्लीट कर लूँगा ना, मैं यस की जो बात चल रही है वो जब कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं ये वाला कॉन्टेक्स्ट 0 करके भेज लूँगा वहाँ से, ताकि वो मस्ती ना करे फिर बाद में ना। सम टाइम हम लाइफ स्पैन रख देते हैं 5, 6, 10 रख देते हैं, सर्टेन कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि भाई 10, 15, 20 लगा दो कि वो छोड़े ही ना उसको, पकड़ के रखे हो। लेकिन वंस वो काम मेरा जब कंप्लीट हो जाता है ना, तो मैं उसको क्या करता हूँ, 0 भी करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने जस्ट ये एक और टूल बताया आपको कि यहाँ से 0 करने से वो कॉन्टेक्स्ट डिलीट भी हो जाता है। तो वेबहुक से ना सिर्फ हम कॉन्टेक्स्ट को एक्टिवेट करवा सकते हैं, बल्कि एक्टिवेट हुए हुए कॉन्टेक्स्ट को डिलीट भी करवा सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई ये वाली बात। अच्छा, ये डिलीट करवाने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उससे होगा क्या, कब कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, वो अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट टू कीप इट सिंपल।
लेकिन वो आपको ऑब्वियस बात है, ये बहुत ऑब्वियस बात है, आपको समझ आ जाएगी जब आपके सामने कोई ऐसा यूज़ केस आएगा ना, तो ये टूल आपके जहन में होंगे, आपको समझ आ जाएगा कि क्या चक्कर है। अच्छा, तो ये कॉन्टेक्चुअल चैट बॉट है, डायलॉग फ्लो की जो स्पेशलिटी है ना, वो ये कॉन्टेक्स्ट है। ये इससे पहले के चैट बॉट में नहीं हुआ करता था। रासा के अंदर भी कॉन्टेक्स्ट होता है, इससे पहले भी चैट बॉट थे, उसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं होता था, वो बात को समझते नहीं थे। वो यस नो वाले काम उसमें कैसे होंगे, आप सोचो ना, कॉन्टेक्स्ट अगर नहीं हो तो ये यस नो वाला काम कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता। ये पिछली बात से रिलेट नहीं कर सकता अगली बार। तो ये रिलेशन बनाना पड़ता है। अच्छा, ये बनाना मुश्किल काम है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने सोचा और वो बन गया। वो पेपर पे बैठ के पहले सोचना होगा कि अच्छा किसके फॉलोअप में क्या जाएगा, क्या बोलने से क्या क्या चीज़ एक्टिवेट हो जाएगी। फिर वो यूज़र को डिस्कवर भी करवाना है आपने ना, यूज़र को डिस्कवर भी करवाना है। जैसे वो हमने अभी पढ़ा था थ्योरी में, चैटबॉट के डिज़ाइन की थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने कहा कि भाई इसमें जो जो फीचर्स हैं वो तो यूज़र को पता ही नहीं है। तो यूज़र को आपने डिस्कवर भी करवाना है वक्तन फवक्तन, कि भाई ये भी बोल के ट्राई करो, ये भी बोल के कर सकते हो आप, है ना। तो चीज़ें जब इस तरह के फीचर आप ऐड करते हैं, तो सम टाइम, जैसे कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछ रहा हूँ, ये तो डिस्कवर करवा ही रहा हूँ मैं, एक्चुअली ये डिस्कवरी करवा रहा हूँ ना कि वुड यू लाइक टू हैव सम कोल्ड ड्रिंक, क्या भाई कोल्ड ड्रिंक भी आप मांग सकते हो। तो ये डिस्कवरी तो हो गई, लेकिन इसके अलावा भी सम टाइम जो है बंदे ने पूछा ना, अगर कह रहा व्हाट कैन आई डू, तो एक बहुत बेसिक सवाल है जो चैटबॉट से, हर चैटबॉट से ही पूछा जाता है सवाल। एक यूज़र जब आता है ना, तो वो कहता है व्हाट कैन यू डू, व्हाट आर योर एबिलिटीज, व्हाट फंक्शनैलिटीज कैन आई अचीव टॉकिंग टू यू। तो ये इसको हम कहते हैं हेल्प इंटेंट, कि वो हेल्प मांग रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या है इसके अंदर। तो उसके लिए हम करते क्या हैं आमतौर पर, एक बड़ी क्लासिक अप्रोच है, अभी बात निकल आई तो बता रहा हूँ, वैसे तो कॉन्टेक्स्ट से उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन बात निकल आएगी। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी मेरे इंटेंट हैं, उन सबका नाम ना मैं एक एरे में लिख के रख लेता हूँ अलग से, ठीक है। अच्छा, तो जब बंदा बोलता है ना हेल्प, यहाँ पे मैं हेल्प इंटेंट एक बना लेता हूँ और उसमें लिख देता हूँ व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन आई डू, जो भी बातें हैं कि बंदा जब पूछना चाहेगा ना कि क्या कर सकते हो आप, तो वो यहाँ पे एक हेल्प इंटेंट बनेगा। उसके जवाब में मैं क्या करूँगा, वेबहुक्स है ना, वो पूरा एरे है मेरा। मिसाल के तौर पर 200 इंटेंट्स हैं, 200 इंटेंट बहुत होते हैं। तो 200 इंटेंट में मिसाल के तौर पे एक इंटेंट है खाना ऑर्डर करने का, एक इंटेंट है ऑर्डर का स्टेटस मालूम करने का, एक इंटेंट है टिकट बुक करने का, एक है टेबल रिजर्व करने का। तो मैं एक एरे बना के रखूँगा जुमलों का, जुमले एक बना के रखूँगा, ठीक है। और मैं जवाब में क्या दूँगा उस हेल्प में, मैं बोलूँगा कि भाई थैंक यू फॉर आस्किंग एंड यू मे ट्राई आस्किंग, पहला जुमला, दूसरा जुमला एंड तीसरा जुमला। उस एरे में से रैंडमली मैं पिक कर लूँगा तीन जुमले, समझ रहे हो। अच्छा, तो ये क्या रिजल्ट क्या बनेगा कि यू मे ट्राई आस्किंग बुक अ टेबल, चेक माय ऑर्डर स्टेटस एंड आई हैव अ कंप्लेन, यू मे ट्राई आस्किंग दिस दिस दिस। अब जब जितनी दफ़ा बंदा पूछेगा ना हेल्प इंटेंट मांगेगा, उतनी दफ़ा उसको उस एरे में से कोई ना कोई चीज़ मिल के आती रहेगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हेल्प इंटेंट के ज़रिए एक यूज़र आपके चैटबॉट की तमाम फंक्शनैलिटी को एक्सप्लोर कर सकता है इस अप्रोच के ज़रिए, ठीक है। लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि आप ऐसा ना हो कि आप पूरा एरे ही एक दफ़ा में बोल दें, हेल्प बोले तो आप पूरा उमंड के सामने से आ जाए, सही है। आमतौर पर 2 या 3 उसको एग्जाम्पल बताते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बताते, उसमें तंग होता है यूज़र। वो भी हमने मैक्सिम्स पढ़े हैं जो चैटबॉट के डिज़ाइन में हमने मैक्सिम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी बात भी नहीं करनी। कि बंदे ने पूछा व्हाट्स द वेदर, तो वो 3 मिनट का पूरा मजमून ना सुनाए, बोल के फौरन चुप हो। बंदा समटाइम बंदे ने पूछा ना, बंदा फिर मुंह ऐसे सीधा कर लेता है इधर, बंदा बोलता है यार ये चुप क्यों नहीं हो रही भाई, ये चुप हो जा भाई, चुप हो जा। तो ये वाली नौबत ना आए आपके चैटबॉट में ना, दैट वुड बी अ बैड डिज़ाइन। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्टेक्स्ट का जो टॉपिक है ना, वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग अब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस होंगे, तो वो फिर हम उससे आगे कोई बात डिस्कस करेंगे मे बी।